हाय, माय नेम इज़ आदित्य एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल मेटलॉजिक। सो गाइस, मैं आज आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ। इट्स द स्पाई कैमरा इन पावर बैंक। मीन्स एक पावर बैंक के अंदर आपको एक स्पाई कैमरा मिलेगा इस टाइप से। सो काफ़ी लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि उन्हें स्पाई कैमरा यूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उनकी बैटरी लाइफ बहुत कम होती है और वो हार्डली 1.5 से 2 घंटे तक ही चल पाते हैं। सो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, और इसका बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्पाई कैमरास। सो नॉर्मली जितने भी मार्केट में स्पाई कैमरेज आते हैं उनकी बैटरी लाइफ अराउंड 2 आवर्स तक होती है मैक्सिमम, और फिर बार बार आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा। सो इस डिवाइस के अंदर आपको चार्ज करने का इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप एक बार इसे चार्ज कर लोगे तो ये 15 आवर्स तक की सिंगल रिकॉर्डिंग कर देगा सिंगल चार्ज में। यहाँ पे आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग टाइम इज 15 आवर ऑन अ सिंगल चार्ज। और ये डिवाइस एसडी क्वालिटी में आता है विथ नाइट विजन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसके अंदर आपको नाइट विजन भी मिल जाएगा। आपको फिर नाइट विजन की भी कोई इश्यू नहीं आएगा कि आपको रात में रिकॉर्डिंग करनी है, तो ये रात की भी रिकॉर्डिंग प्रॉपरली कर लेगा, एसडी में रिकॉर्डिंग करेगा, और रात की भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व कर देगा। जो आपको रात को रिकॉर्डिंग करनी है वो भी रिजॉल्व कर देगा ये प्रोडक्ट आपका। तो इस प्रोडक्ट के बारे में आप चेक कर सकते हो। इसके अंदर आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। इसका वीडियो रेजोल्यूशन भी यहाँ पे 1080p है और .avi फॉर्मेट में रिकॉर्ड करता है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। इस प्रोडक्ट के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, और रिकॉर्डिंग टाइम ऑलरेडी इसका 15 आवर्स तक है। सो मेमोरी यूज़ करेगा ये 6 GB पर आवर, मतलब कि आप 1 घंटे में, अगर आप 1 घंटे रिकॉर्डिंग कर रहे हो इस डिवाइस से, तो ये 6 GB आपकी कंज्यूम कर लेगा। सो आप अगर आप 32 GB का कोई मेमोरी कार्ड इसमें लगाते हो तो वो आपका 6 आवर्स तक, अराउंड 5 to 6 आवर्स तक की आपकी इसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगी, अगर आप 32 GB का यूज़ करते हो मेमोरी कार्ड। चार्जिंग टाइम आपको 3 to 6 आवर्स है, और टीएफ कार्ड लगता है, जो मोबाइल में आपका नॉर्मली टीएफ कार्ड लगता है ना, वो वही वाला इसमें मोबाइल में लगता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको इस तरफ मिलेगा, ये पूरा है आपका, यहाँ से वीडियो बनेगी। मीन्स ये कैमरा दे रखा है, यहाँ पे स्लॉट दे रखा है, यहाँ से आपको पूरी वीडियो बनेगी। और दूसरी तरफ से एक नॉर्मल पावर बैंक है जिससे आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो, कोई भी डिवाइस है वो यहाँ से चार्ज कर सकते हो। सो इस प्रोडक्ट को मैंने टेस्ट किया था अपना मोबाइल चार्ज करके, मेरा स्मार्टफोन है। मतलब ये अभी फुल था ना, फुल केस में मेरा मोबाइल इसने पूरा चार्ज कर दिया, एक बार इसने पूरा पूरा चार्ज कर दिया, उसके बाद इसकी बैटरी एग्जॉस्ट हो गई। सो आपका स्मार्टफोन ये एक बार पूरा चार्ज कर देगा, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगा ये 100% तक, ठीक है। और इसके साथ मुझे एक तो आप मैनुअल मिली थी इस टाइप की, 3 एसेसरीज थी। एक इसके साथ आपको केबल मिलेगी, नॉर्मल जो मोबाइल में जो केबल लगती है चार्ज करते वक्त, वही वाली केबल है ये भी। एंड इसके साथ ये मिले थे हमें डिटेस्टर, ये इस तरीके से, अगर आपको शो नहीं करना तो इस तरीके से आप इसे ढक भी सकते हो। सो ये पूरा ढक जाएगा, सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उसे पता भी नहीं चलेगा ये एक स्पाई कैमरा है इस टाइप से। सो गाइस, मैं इसकी अभी आपको वर्किंग बताता हूँ, कौन से कीज से वीडियो बनेगी, कौन से कीज से आपको फोटो क्लिक होगी, और इसका नाइट विजन कैसे ऑन होता है। सो इसकी वर्किंग इस तरीके से होती है, आपके पास एक बटन है यहाँ पे, ये ऑन ऑफ का बटन है, इसी से आपकी वीडियो और फोटो क्लिक होगी। ये आपका कैमरा है, दिस वन इज़ फॉर नाइट विजन, 2 LEDs है फॉर नाइट विजन। ये है आपका मेमोरी कार्ड, स्लॉट है यहाँ पे, मेमोरी कार्ड इंसर्ट होगा। ये 1 से लेके 32 GB तक का मेमोरी कार्ड एक्सेप्ट कर लेता है ये वाला डिवाइस। और यहाँ पे आपका डेटा ट्रांसफर, यहाँ इस वाले पॉइंट से जो भी आप रिकॉर्ड करोगे वो आपके लैपटॉप में ट्रांसफर हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप केबल लगाते हो तो, ठीक है। सो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लॉन्ग प्रेस करना है इस वाले बटन को 2 to 3 सेकेंड्स के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेड लाइट आ गई है, ठीक है। अब वीडियो बनाने के लिए इसी को लॉन्ग प्रेस करना है 2 to 3 सेकेंड्स के लिए। ये ब्लिंक हो के ऑफ हो गई। अब राइट नाउ इस डिवाइस से आपकी वीडियो बन रही है।
अब आपको चाहिए कि मुझे इसका नाइट विजन ऑन करना है। नाइट विजन ऐसे ऑन होगा, सिंगल प्रेस कर देना, इस टाइम पे इसका नाइट विजन ऑन हो गया। वीडियो बनाते वक्त आप इसका नाइट विजन ऑन करना चाहते हो तो नाइट विजन सिंगल क्लिक से ऑन हो जाएगा। वीडियो जब बन रही है उसके बीच में आपको शॉर्ट प्रेस करना है। अब वीडियो को सेव करने के लिए इसी को लॉन्ग प्रेस करना है। वीडियो बन के आपकी सेव हो गई और ये दोबारा से ऑफ हो गया। फोटो क्लिक करने के लिए आपको सबसे पहले इसको ऑन करना पड़ेगा, लॉन्ग प्रेस करके 2 to 3 सेकेंड्स के लिए ऑन करना। आपके पास रेड लाइट आ गई यहाँ पर, वो स्टेबल हो गई रेड लाइट आने के बाद। अब फोटो खींचने के लिए आपको शॉर्ट प्रेस करना है एक बार, इस तरीके से फोटो क्लिक हो गई, सेव हो गई। एक और पिक्चर ले लेते हैं हम। फोटो क्लिक हो गई, सेव हो गई, फिर इसको हम शट डाउन कर देते हैं। ये हो गया आपका ऑफ पूरा डिवाइस। अब क्या करना है हमें अपने लैपटॉप में, मैं अभी कनेक्ट करके कौन कैसे फोल्डर बनेंगे वो आपको शो कराऊंगा। कौन से फोल्डर के अंदर आपको वीडियो मिलेगी, कौन से फोल्डर के अंदर आपको फोटो मिलेगी। सो एक बार आप बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक रीसेट बटन है आपका। अगर आपका डिवाइस हैंग हो जाता है तो आप यहाँ से इस बटन को पिन के थ्रू आप प्रेस कर देंगे, सो आपका डिवाइस रीसेट हो जाएगा, फिर दोबारा से नॉर्मली फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है सो आप अपना इसका मेमोरी कार्ड निकाल के अपने फ़ोन में भी लगा के जो भी वीडियो फोटोज़ बनी है वो भी आप देख सकते हो अपने फ़ोन में कनेक्ट करके। अगर सबसे पहले आपको इस डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा इस पॉइंट से, आपके पास जो केबल थी आपको सबसे पहले डिवाइस को कनेक्ट करना है, फिर इसका दूसरा वाला जो पॉइंट है उसको अपने लैपटॉप में लगा देना है इस तरीके से। विद इन फ्यू सेकेंड्स इसने डिटेक्ट कर लिया और आपके पास ड्राइव ओपन हो गई। आपको 3 फोल्डर्स मिलेंगे यहाँ पे, फोटोज़, वीडियोस एंड टाइम। टाइम से आप अपना जो करेंट टाइम है वो वाला यहाँ पे आप डाल सकते हो। फोटो के फोटो देखते हैं हम लोग फोल्डर में क्या क्या मिला है हमें। मैंने 2 फोटो क्लिक करी थी वो आपके पास आ गई दोनों। फिर हमने एक वीडियो बनाई थी, वीडियो बन के आपकी सेव हो गई और ये दोबारा से ऑफ हो गया। अब फोटो बनाने ये जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो सारा रिकॉर्ड आ गया। और आप भी तो आप देख सकते थे कि जो हमारी वीडियो बनी थी वो हमारी एसडी में बनी थी, एसडी क्वालिटी में वीडियो बनी थी और हमारी नाइट विजन के साथ बनी थी वो वीडियो। और ये प्रोडक्ट आपका एसडी क्वालिटी है इस प्रोडक्ट की, और आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट मार्केट में जो मिलता है वो मिलता है हमारा S2 ब्रांड के नाम से। तो मेक श्योर जब भी आप खरीदो ये प्रोडक्ट तो उसके ऊपर देखना S2 ब्रांड होगा, S2 लिखा होगा डिब्बे पर भी और इस प्रोडक्ट के ऊपर भी। ये प्रोडक्ट मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो सेम प्रोडक्ट। इसकी वर्किंग और सेम ही होगी जो आप जो मैंने आपको अभी बताई है। सो अकॉर्डिंग टू मी ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था। इसका जो बैटरी और जो आपका कैमरा है उसके अकॉर्डिंग ये मुझे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। और इसकी कॉस्ट अराउंड 1500 थी जब मैंने परचेज़ किया था इसको, तो इसकी कॉस्ट अराउंड 1500 थी। इस कॉस्ट में ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, विद नाइट विजन और एसडी क्वालिटी आपको मिली रही है इस प्रोडक्ट के साथ। सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ द बेस्ट स्पाई कैमरा, वन ऑफ द बेस्ट स्पाई कैमरा विच आई परचेज टिल नाउ। सो आपको कोई भी डाउट्स हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई कर दूंगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।